अब्दुल कादिर मंसूरी, आई एम नोन एज बब्बू मंसूरी, मुझे बब्बू मंसूरी के नाम से ही ज्यादा करके जाना जाता है। कम से कम हमारा बिजनेस जो है लगभग 60 इयर्स ओल्ड है। जी, मैं अपना बिजनेस सेल्फ ऑपरेट करता हूँ। अच्छा। और मैं जैसे यहीं से दुकान पे बैठ के माशाल्लाह मुझे कुछ कस्टमर ऐसे अच्छे मिले। मैंने ऑनलाइन ईबे वगैरह का बिजनेस ऑपरेट किया है, जिसमें मेरी दो साइट है। एक तो मेरी खुद दुकान के नाम से ही मेरी साइट है और एक साइट है मेरी मेरे खुद के नाम से। जी हाँ, ये दो साइट में करता हूँ, माशाल्लाह वहाँ भी मेरा अच्छा खासा वो है। पॉइंट आप कह दीजिए ना, तो आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई एम एन ऑनेस्ट डीलर। मेरी नजर में जैसे कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरी नजर में ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, ये मेरी नजर में। तो मेरी जो सबसे पहली बात होती है, मैं अपने जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनके बारे में मैं सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का जो डिफेक्ट होता है, मैं सबसे पहले अपने कस्टमर्स को उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज दे देता हूँ। मेरे पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें मेरे पास 1910 के खिलौने हैं, 1920s के हैं, 1930s के हैं, और इनके बारे में मैं काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास जो काफ़ी रेयर हैं। मैंने जैसे ये, उसके बाद एक्शन फिगर्स वगैरह में भी मैंने काफ़ी अच्छे महारत हासिल की है, जिसमें मोटू सीरीज, हीमैन सीरीज के मैंने काफ़ी अच्छे, और माशाल्लाह मेरे पास खुद का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरा एक पैशन था, मेरी हॉबी थी, लेकिन आज माशाल्लाह ऐसा ना कि हॉबी मेरा बिजनेस बन गया और मुझे काफी आसान है। आज की तारीख में लोग है ना एक्शन फिगर्स वगैरह को ज्यादा लाइक करते हैं, और कुछ लोग जो है पुरानी डाईकास्ट कार्स होती है जिसमें मैच बॉक्स है, हॉट व्हील्स है, इनके बारे में काफी इंक्वायरीज आती है, और पुराने ऑटोमोबाइल्स की चीजों को लोग काफी पसंद करते हैं। मेरे पास काफी टॉयज है, मेरे पास बाइंडिंग टॉयज है जो विंडअप टॉयज कहते हैं, मेरे पास फ्रिक्शन टॉयज है जो हाथ से धक्का मार के चलाते थे, मेरे पास बैटरी ऑपरेटेड टॉयज है, जापान में बैटरी ऑपरेटेड काफी अच्छे बनाए थे, 50s के बाद से उन्होंने काफी महारत हासिल की जापानीज में, और उनकी आज एक अच्छी खासी मार्केट है जापानीज टॉयज। जर्मन टॉयज जो होते हैं, दीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल टॉयज फ्रॉम 1910 प्री वॉर के, जो जिनमें ऑटोमोबाइल्स आते थे, कार्स आती थी, एयरप्लेन आते थे, जेपलिन आते थे, इस तरह की चीजों की काफी डिमांड है। मेरे यहाँ के स्टार्टिंग प्राइस समझ लीजिए 50 रुपए से लेके आज की तारीख में मेरे पास 5 लाख तक का टॉयज है। तो मेरे पास कुछ ऐसे टॉयज है ना जो काफी रेयर है, जिनकी रेयरिटी इसके लिए होती है कि अभी 1 या 2 ही टॉयज अवेलेबल है।
रिचार्ज वगैरह मैं कभी कभी लोगों को अपनी तरफ से कर देता हूँ, और कभी कभी जैसे मुझे ऑफर्स कम रहती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुरियर चार्जेस वगैरह, अगर मेरे पास 100 रुपए का भी होगा तो भी मैं उसको कुरियर कर दूँ। मैं रोज पार्सल वगैरह भी होते हैं मेरे, माशाल्लाह मेरे देखिए इस तरह से, देखिए ये मेरा US में एक बंदे ने कुछ चीज़ ऑनलाइन खरीदी थी, इस तरह से जब मुझे पेमेंट आ जाता है तो मैं इस तरह से उनको भेज देता हूँ। देखिए ये मेरी पैकिंग देख लीजिए आप, ये देखिए ये सब मेरा वो, ये मेरा वो होता है, ये देखिए ये कस्टम फॉर्म जैसे होते हैं, इसमें छोटी चीज है लेकिन मैंने बॉक्स की पैकिंग बड़ी की है ताकि इतनी नाम अच्छे तरीके से लोगों के सेफ्टी से पहुंच जाए। अगर मेरे जैसे कोई कलेक्टर होगे तो मैं उनको अच्छी सर्विस भी दे सकता हूँ। मैं जेन्युइन सेलर, मैं अपने आप को नहीं कहूंगा, मेरी चीज ही आपको बता दूँ, अगर आप लोग मुझसे एक बार बिजनेस करोगे तो यू ऑल्सो फील दैट वॉट आई एम, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्राइब माई सेल्फ एज अ जेन्युइन सेलर, मैं अपने आप को जेन्युइन सेलर नहीं कहता, आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूँ, दिस इज माई पॉलिसी। ये मेरा एक फोन है ओरिजिनल वर्किंग वाला, ये रोज के यूज का है, ये जैसे अभी ये देखिए आप, ये इसके जॉस को मैं नीचे करता हूँ तो मैं बात कर सकता हूँ, ये इसका क्रेडल है, और ये जॉस को मैंने ऊपर कर दिया तो बात बंद हो जाती है। ये देखिए ये इसकी रिंग है, रिंग टोन, और ये यू कर दिया तो मैं बात कर सकता हूँ, और ये ऑफ कर दिया मैंने। Yeah.